Unforgivable. A total lack of respect. आखिर यहाँ क्या हुआ था? लगता है जैसे कोई तूफान आया था। ओए जरा सुनो, यहाँ हो क्या रहा है? तुम सब डर कर भाग क्यों रहे हो? अरे यहाँ खड़े मत रहो, भागो यहाँ से। वहाँ ऊपर एक मॉन्स्टर है। एक मॉन्स्टर? रुको रुको, शांत हो जाओ। कैसा मॉन्स्टर? तुम कहना क्या चाहते हो? वो एक बहुत बड़ा सांप है, उसने एक ही बार में कैसल को तबाह कर दिया। मैं तो चला यहाँ से। रुकिए, वो सांप कितना बड़ा था? हमारे गांव पर भी एक सांप ने हमला किया था और वो बहुत बड़ा था और खतरनाक भी। नारुतो, चलो चले। ये वही सांप हो सकता है। अब मुझे उस मॉन्स्टर को करीब से देखना होगा। तुम ये विलेज को बर्बाद करना चाहते हो? तो अब क्या कहते हैं आप? लेडीज नॉडे, इन पर भरोसा मत कीजिए, ये बस आपको बहकाना चाहते हैं। अपने भाई और मेरे अंकल के बारे में सोचिए, वो कभी नहीं चाहते कि आप ऐसा कुछ करें। ऐसा करना उनका मकसद नहीं था। ये करके आप अपने आप को ही नहीं बल्कि उन्हें भी धोखा दे रही हैं। क्या आप अपने सपनों को भूल चुकी हैं? मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है। मुझे पता है आप दोबारा देखना चाहते। पर होश में आइए लेडी सोनाडे, अपनी आंखें खोलिए। चुप रहो शिजुने। इतनी जल्दी डिसाइड करने की जरूरत नहीं, एक हफ्ते में सोच कर जवाब दे देना। पर याद रखना, अगर जवाब हाँ हुआ तो इस जोत्सु में हमें दो इंसानों की कुर्बानी देनी होगी। उनका बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सोच क्या रही है, इन दोनों को अभी खत्म कर देते हैं। लेडी सोनाडे, आज इन्हें दिखा देते हैं कि ये किसका सामना कर रहे हैं। लेडी सोनाडे, ये सच है कि मैं अभी थोड़ा कमजोर हूँ, पर ये भी सच है कि मेरी दोस्त की अपनी कुछ कमजोरियाँ हैं जिन्हें वो दिखाना नहीं चाहती। जाहिर है ये भी लेडी सोनाडे की तरह एक सानिन है, तो क्या ये जानता है? अभी तक वो तुम्हारे मन से गया नहीं है ना? ब्लड दिखने का तुम्हारा डर, हीमोफोबिया। चलो, हमारे जाने का वक्त हो गया काबुटो। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा सोनाडे। उम्मीद है तुम सही फैसला लोगी। लग रहा है हमने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। क्या ये भी उस सांप ने ही किया है? चलो चले नारुतो, सोनाडे हमें यहाँ नहीं मिलने वाली। फिर से नहीं, मुझे लगा ये उनके बारे में भूल गए होंगे। वेलकम, आ जाइए। हे सुनो, एक और लाना तो जरा। बहुत देर हो रही है, आपको नहीं लगता कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए? लेडी सुनो, अब तो ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आप और कहाँ कहाँ मुझे लेकर जाएंगे? तब से हम बस चक्कर लगाए जा रहे हैं और वो लेडी कहीं मिल ही नहीं रही। चलो तब तक यहाँ बैठकर हम थोड़ा खा पी लेते हैं। हे, मैं यहाँ नहीं खा सकता, ये अच्छी जगह नहीं है। मेरे लिए तो अच्छी है। आप अपनी बुरी आदतें मुझे लगवाना चाहते हैं क्या? हेलो, मुझे आपके साथ नहीं बनना। घोचोगे घोचो ही रहोगे, कोई तुमसे जबरदस्ती कुछ काम नहीं करवा रहा है। तुम बस यहाँ खाना खाओ और किसी बड़े से बात मत करना। अगर स्वागत है तो किसी अच्छी जगह चक्कर खाते हैं ना, जैसे कोई नूडल शॉप। बेकार जगह में क्यों खाना? ना समझ कब समझोगे, ऐसी जगह पर ही खास तरह की जानकारी आसानी से मिल जाती है। हाँ,
सुनाने जिराया, ये क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताऊँ, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर मुझे यकीन था कि तुम ऐसी ही जगह पर मिलोगी। तो ये है सुनाने, एक बुरी औरत। क्या बात है छोरे बाबा, तुम नहीं सुधरोगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक ही दिन में मेरी मुलाकात दोनों साथी से हो गई। दीजिए, एंजॉय कीजिए। ये रीयूनियन जैसा, सारे पुराने लोग आज मुझे फिर से मिल रहे हैं। तुम्हारा मतलब मोरोजी मारू? तो क्या कहा उसने? उसने कुछ खास नहीं कहा, मेरा हाल चाल पूछ के चला गया। क्या ये सच में एक महान हीलर है? ये छोरे बाबा ने उस बारे में भी झूठ बोला। अब बताओ तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैं सीधा सीधा मुद्दे पर आता हूँ। सुनो सुनाने, गांव के बड़ों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि तुम्हें फिफ्थ होकागे बना दिया जाए। तुम्हें हमारा खाना कब मिलेगा? आ रहा हूँ सर, अभी आया। फिफ्थ होकागे, ये कब डिसाइड हुआ? ये सब क्या हो रहा है? तुमने थर्ड होकागे के बारे में तो सुना ही होगा। तो थर्ड होकागे के बारे में वो बात सच है? ये ओरोचिमारू ने किया था ना, मैंने सुना था। असल में उसने खुद मुझे बताया। ओरोचिमारू ने किया? तो आप ये कह रही हैं कि उसने ही ये सब किया है? आखिर कौन है ये ओरोचिमारू? हाँ, वो सुनाडे और मेरी तरह तीन सानिन में से एक है। लेकिन क्यों? तीनों सानिन तो लीफ विलेज से ही है ना, फिर उसने ऐसा क्यों किया? मुझे बताओ ये बदतमीज लड़का कौन है? ये है नारुतो उज़ुमा। तो ये बच्चा नाइनटेल है। ठीक है, बस बहुत हुआ। मैंने अभी एक सवाल पूछा है और मुझे उसका जवाब चाहिए। वो जो भी है, आपको पता था कि उसने होकागे को खत्म किया, तो फिर आपने कुछ किया क्यों नहीं? वो एक सानिन है, आप में से ही एक है, तो फिर वो खुला क्यों घूम रहा है? आपने उसे अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? और हाँ, इन्हें फिफ्थ होकागे क्यों बनाया जा रहा है? नारुतो, मुंह बंद करो और चुपचाप बैठो। मैं नहीं बैठने वाला। मैंने कहा बैठो। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, लीफ विलेज ने अपना फैसला ले लिया है। उन्होंने तुम्हें ही फिफ्थ होकागे के लिए चुना है। बताओ तुम्हारा जवाब क्या है? क्या तुम्हें ये फैसला मंजूर है सुनाने? बस साथ ही मैं हिडन लीफ विलेज को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दूंगा। मैं तुम्हारे प्यारे छोटे भाई और डैन को वापस तुम्हारी जिंदगी में ला सकता हूँ। मुझे बताओ सुनाने, तुम हमारे साथ चलोगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे पुराने दिन याद आ गए। जब मैंने तुमसे कहीं साथ में घूमने के लिए पूछा था, तब तुमने ऐसा ही जवाब दिया था मुझे।
अरे कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या चल रहा है, हम यहाँ कर क्या रहे हैं? आपने कहा था हमें इन्हें सास्की और काकाशी सेंसे को ठीक करने के लिए लीफ विलेज ले जाना है, पर आप इन्हें होकागे बनने का ऑफर देने लगे और इन्होंने एक ही बार में मना कर दिया। कहीं ये ओरोचिमारू के ऑफर के बारे में तो नहीं सोच रही है? परेशान मत हो नरुतो, ये इस फैसले से मुंह नहीं मोड़ सकती, यही होकागे बनने के लायक है। ग्रेट निंजा वॉर में इसी ने लीफ विलेज को बड़ी जीत दिलाने में हमारी मदद की थी। इसमें बेमिसाल ताकत के साथ साथ दूसरों का इलाज करने का हुनर भी है, और तो और ये फर्स्ट होकागे की पोती भी है। इसकी विरासत और इसी काबिलियत की वजह से गांव के बड़ों ने इसे फिफ्थ होकागे के लिए चुना है। एक बार जब ये अपनी जिम्मेदारी समझेगी और ऐसा जरूर होगा, तब ये हमारे साथ लीफ विलेज आएगी और फिर तुम्हारे दोस्तों का इलाज भी करेगी। लीफ विलेज को चलाने वाली काउंसिल ने ही बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। माफ करना नरुतो, पर तुम्हारे जैसा कच्ची उम्र का कैनन ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। इसे कहां से उठा ले जाया, ये तुम्हारे पिछले स्टूडेंट जैसा बिल्कुल नहीं है, ये तो जोकर है, पीले बालों वाला जोकर जिसे सिर्फ बड़बड़ करना आता है। क्या कहा? ये तो क्या, कोई भी मेरे पिछले स्टूडेंट की बराबरी नहीं कर सकता। फोर्थ होकागे में अब तक का सबसे महान निंजा बनने का पोटेंशियल था, उनके टैलेंट का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। वो बहुत स्मार्ट और पॉपुलर भी थे, और तो और वो अपने टीचर जितने हैंडसम भी थे। हाँ, और वो बेचारे तो बहुत कम उम्र में ही गुजर गए। सिर्फ एक गांव को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। पैसा तो आता जाता है, पर जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। जब पहले से अपनी हार के बारे में पता हो तो बाजी खेलना महामूर्खता है। बाजी खेलना महामूर्खता है। मेरे दादा और उनके बाद के सारे लोग, वो भी गांव के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार थे। गांव तो अब भी सुरक्षित नहीं, यानी उनकी कुर्बानियों का कोई फायदा नहीं। तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल गई हो सुना है। नहीं जानता कि ऐसा क्या हुआ जिससे तुम बदल गई, पर ऐसी बातें बोलना ठीक नहीं। ये मत भूलो कि मैं सिर्फ दिखने में कम उम्र की हूँ, जिंदगी के बारे में मुझे बहुत तजुर्बा है। सारू, तुम इस सेंस से भी पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे थे। इस उम्र में हीरो बनेंगे तो उनके साथ यही तो होना था। बेवकूफी होकर आगे बनते और मुझे ये फिजूल काम नहीं करना। बस बहुत हो गया, छोड़िए मुझे, मैंने कहा छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, बस बहुत हुआ, यहाँ छोड़िए मुझे, छोड़िए, मैंने नहीं छोड़ूंगा। लेडी सुलोटे, मैंने थर्ड होकागे की बेइज्जती करने नहीं दूंगा, ये कुछ भी हो मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें इनकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। तुम चैलेंज कर रहे हो मुझे, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है बच्चे, चल जरा यहाँ से बाहर चल के लड़ते हैं। अरे नहीं, एक लेजेंडरी सानेन अब एक नक चढ़े बच्चे से लड़ने वाली है, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। आपने बच्चा किसे कहा? हाँ, अरे यार शो ऑफ करना बंद करो। ये देखो, सिर्फ एक उंगली, तुम्हें हराने के लिए मेरी एक उंगली ही काफी है। प्लीज रुक जाइए, तो आओ ना, इंतजार किस बात का है बच्चे। मुझे कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। उन्होंने मेरे सर पर मारा, मैंने नहीं छोड़ूंगा। वाह, ये तो बहुत फास्ट है। ए बच्चे, हारने से पहले एक बात का जवाब दोगे? बताओ मुझे, होकागे के टाइटल से इतना लगाव क्या है तुम्हें? वो इसलिए क्योंकि होकागे बनना मेरा गोल है। एक ना एक दिन मैं होकागे बन कर रहूंगा। होकागे बनना यही मेरा सपना है और मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। उनका ध्यान भटक गया, मैं यूं ही उन पर वार नहीं कर सकता, मुझे वो जुत्सु इस्तेमाल करना पड़ेगा। फोकस,
ये क्या? ये जुत्सु तो